हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ बेनिफिट्स। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बाल तोड़ का घरेलू इलाज बताने जा रही हूँ। बाल तोड़, जिसे इंग्लिश में बॉयल्स बोलते हैं, एक पेनफुल फोड़ा है जो कि बाल के टूटने पर होता है। तो चलिए जानते हैं बॉयल्स का सिंपल इलाज घर पर कैसे कर सकते हैं। शरीर के किसी भी अंग का अगर एक भी बाल टूट जाता है तो उस जगह पर घाव हो जाता है, जिसे बाल तोड़ कहते हैं। बाल तोड़ होने पर एक छोटी सी फुंसी धीरे धीरे बड़ा जख्म का रूप ले लेती है। बाल तोड़ के जख्म में पस भर जाने के कारण उसमें काफी दर्द होता है, जो कभी कभी असहनीय हो जाता है। बाल तोड़ के क्या लक्षण हैं? ज्यादातर मामलों में बाल तोड़ जांघ, पीठ और कभी कभी लोअर बैक में हो जाता है, जिसके कारण काफी दर्द का सामना करना पड़ता है। वैसे बाल तोड़ को पकड़ना आसान है और अगर शुरुआती स्टेज में ही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाए तो बॉयल्स को बढ़ने से रोका जा सकता है। तो बाल तोड़ के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? बाल तोड़ होने पर उस जगह स्किन का लाल होना, बाल तोड़ होने पर उस जगह का फूल जाना यानी स्वेलिंग आ जाना, बाल तोड़ होने पर उस जगह पर फुंसी का हो जाना, फुंसी में पस भर जाना, आदि सारे बाल तोड़ के लक्षण हैं। तो बाल तोड़ का इलाज हम कैसे करेंगे? देखा जाए तो बाल तोड़ का इलाज आप घर पर ही कर सकते हैं। अगर टाइम रहते सही उपचार किया जाए तो बॉयल्स को आसानी से ठीक किया जा सकता है। तो कुछ ट्रीटमेंट मैं आपको बताने जा रही हूँ जिससे आप बाल तोड़ की समस्या से निजात पा सकते हैं। आमतौर पर बाल तोड़ हाथ या पैर के बाल टूटने पर हो जाता है, इससे इंसान को हाथ या पैर हिलाने में भी तकलीफ होती है। ऐसे में बाल तोड़ होने के साथ ही गेहूं के कुछ दाने को मुंह में लेकर चबाएं और फिर उसे मुंह से निकालकर बाल तोड़ पर लगाएं। दिन में अगर आप 3 बार गेहूं को चबाकर बाल तोड़ पर लगाते हैं तो आपका बाल तोड़ का जख्म नहीं बढ़ेगा। फिर है पीपल के पेड़ की छाल को उखाड़ लें और फिर उसे घिसकर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर उसका पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट को दिन में 2 से 3 बार बाल तोड़ पर लगाएं। इसे लगाने से बाल तोड़ का जख्म और उसका दर्द दोनों में राहत मिलती है। लगभग 20 ग्राम नीम के पत्ते को लेकर उसमें 20 ग्राम काली मिर्च को मिलाकर पीसकर उसका पेस्ट तैयार करें। अब इस पेस्ट को बाल तोड़ के जख्म पर लगाकर उस पर किसी कपड़े से पट्टी बांध लें। आप चाहे तो बाल तोड़ पर केवल नीम के पत्ते को भी पीसकर लगा सकते हैं। इन दोनों उपचार से बाल तोड़ जल्दी ठीक हो जाता है। 1 चम्मच मैदे को लेकर घी में थोड़ी देर तक पकाकर उसका पेस्ट बना लें और फिर उस पेस्ट को ठंडा करके सोते समय बाल तोड़ के जख्म पर लगाकर किसी कपड़े से बांध लें। 1 से 2 दिन ऐसा करने से बाल तोड़ ठीक हो जाएगा। मेहंदी के पत्तों को पीसकर या फिर मेहंदी के पाउडर को कुछ देर तक फुलाकर इसके लेप को बाल तोड़ के जख्म पर गाढ़ा करके लगाने से बाल तोड़ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, ये कुछ घरेलू नुस्खे थे बाल तोड़ को ठीक करने के लिए। आप इन घरेलू नुस्खों को जरूर अपनाइए, आपको फर्क खुद ब खुद नजर आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली नए नए टिप्स और हेल्थ बेनिफिट्स के तरीके लाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।